गुड मॉर्निंग दादी जी, कल का जो अपना वीडियो था उस वीडियो में विश्व जनजाति के अंतर्गत भारत की जो दो जनजातियां भील व गोंड जनजाति था उसमें गोंड जनजाति के बारे में आपको सामान्य परिचय और एक दो बिंदु बताए गए थे, जिसके अंतर्गत आपको ध्यान में होगा मैंने गोंड जनजाति का सामान्य परिचय, उनके भोजन के बारे में, उनके आखेट के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन के बारे में, वस्त्रों के बारे में, ये बिंदु अपने कल के वीडियो के अंतर्गत करवा दिए गए। देखिए मुख्यतः फिर से बता रहा हूं मैं कि इस लेसन में यानी विश्व जनजाति टॉपिक में जो चार जनजातियां हैं उन चार जनजातियों में से कोई भी दो जनजातियों के बारे में प्रश्न जरूर पूछेगा। हर बार आप किसी भी सत्र का पेपर उठाकर देख लो, आपको 100% कोई ना कोई दो जनजातियां चार में से जरूर मिलेंगी। तो आपको टॉपिक बड़े ठीक ढंग से पढ़ना है, समझना है। इसके नोट्स भी आपके पास में है, स्कूल नोटबुक में लिखे हुए हैं, वीडियो के माध्यम से भी पहले भी बता रहा हूँ, पहले क्लास में अपने ये बिंदु हो चुके हैं, दोबारा रिवीजन चल रहा है अपना एक बुक का, तो रिवीजन के दौरान आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए, ये आप विशेष ध्यान रखें। जहाँ कोई समस्या हो, जहाँ कोई दिक्कत हो, जो भी डाउट आपके पास हो आप भेजें, जिसका समाधान बिल्कुल 100% किया जाएगा। तो कल अपने गोंड जनजाति के अंतर्गत गोंड जनजाति का सामान्य परिचय, आर्थिक जीवन, वस्त्र, भोजन आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन देखते हैं गोंड जनजाति के आवास के बारे में। देखिए गोंड जनजाति के आवास के बारे में, गोंड जनजाति छोटे गांव के अंतर्गत निवास करती है, अपन कह सकते हैं नगला पल्ली ये छोटे गांव के रूप है, तो नगला पल्ली इन छोटे गांव में निवास करती है। मुख्यतः जब भी आवास का निर्माण किया जाता है, मकान का निर्माण किया जाता है, तो अच्छा शकुन देखकर मकान का निर्माण गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। जब मकान का निर्माण होता है गोंड जनजाति का, तो या तो बतख की या मुर्गे की बलि मकान के निर्माण के समय दी जाती है। इसके अतिरिक्त इनका जो मकान होता है वो स्थानीय भवन निर्माण सामग्री, स्थानीय भवन निर्माण सामग्री का मतलब जो भी घास फूस, जो भी मिट्टी पत्थर वगैरह, जो भी उस क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय रूप से भवन निर्माण की वस्तुएं हैं, उन भवन निर्माण की वस्तुओं से ये लोग अपने आवासों का निर्माण करते हैं। गोंड जनजाति के प्रत्येक आवास में, प्रत्येक मकान के अंतर्गत एक रसोई कमरा, बरामदा और पूजा घर ये मुख्य रूप से होते हैं। गोंड जनजाति के इन आवासों के अंतर्गत इन सब का होना, यानी प्रत्येक आवास के अंतर्गत कमरे का होना, बरामदे का होना, पूजा घर का होना, एक रसोई का होना, यह प्रत्येक आवास के अंतर्गत गोंड जनजाति के अति आवश्यक होता है। प्रत्येक परिवार के अंतर्गत एक चारपाई और एक लकड़ी का स्टूल आवश्यक रूप से होता है। ये लोग अपने मकानों के अंतर्गत कृषि हेतु जो कृषि यंत्र है
वो कृषि यंत्र भी रखते हैं। ये गौड़ जनजाति का आवास। फिर से देख लो एक बार, गौड़ जनजाति के लोग, इनके आवास के विषय में, ये लोग छोटे गांवों के अंतर्गत, छोटे गांवों से अभिप्राय नगला, पल्ली, छोटी छोटी बस्तियां, ऐसे छोटे गांवों में निवास करते हैं। अच्छा शगुन देख करके गौड़ जनजाति के लोगों के द्वारा मकानों का निर्माण किया जाता है। मकान निर्माण के समय गौड़ जनजाति के लोग बतख की या मुर्गे की बलि अति आवश्यक रूप से देते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसी मान्यता है। ये लोग अपने आवासों के निर्माण में स्थानीय भवन निर्माण सामग्री, स्थानीय भवन निर्माण सामग्री का अभिप्राय, इनके पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली घास फूस मिट्टी पत्थर जो भी भवन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री इनके निवास क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है, उनसे ये लोग अपने आवासों का निर्माण करते हैं। गौड़ जनजाति के आवासों की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि गौड़ जनजाति के लोग अपने आवास में एक रसोई, एक कमरा, एक बरामदा, एक पूजा घर, ये गौड़ जनजाति के आवासों की विशेषता है। यानी ये चार चीजें गौड़ जनजाति के प्रत्येक आवास के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। आवासों की विशेषता में एक चारपाई और एक लकड़ी का स्टूल प्रत्येक गौड़ जनजाति के परिवार के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कृषि हेतु जो यंत्र ये लोग काम में लेते हैं, ये भी इनके आवासों के अंतर्गत प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। ये इनके आवास के बारे में। अंतिम बिंदु है नेशन का, गौड़ जनजाति का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में देखिए, गौड़ जनजाति का जो समाज होता है, पितृ सत्तात्मक समाज होता है। यानी परिवार का जो प्रधान है वह पुरुष होता है, यानी परिवार में किसकी प्रधानता होती है, पुरुष की प्रधानता होती है। इसके अतिरिक्त संपत्ति का जो विभाजन है, संपत्ति का विभाजन केवल पुत्रों में किया जाता है। गौड़ जनजाति में इन लोगों में विवाह के रूप में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, अपहरण विवाह आदि प्रकार के विवाहों की प्रथा प्रचलन है। विवाह का कार्य हमेशा कोई सार्वजनिक स्थल पर होता है, कोई मुखिया का घर हो, वृक्ष हो कोई, या कोई मंदिर हो, ऐसे स्थान पर। गांव का जो मुखिया होता है उस मुखिया को गौड़ जनजाति के अंतर्गत पटेल कहा जाता है, या मुखादम भी कह सकते हैं, मुखादम भी कहते हैं ये लोग, पटेल या मुखादम। चौकीदार जो होता है उसे ये लोग कोतवार कहते हैं। मंदिर का पुजारी होता है उसे ये लोग देवारी कहते हैं। ये लोग भगवान शिव और देवी माता की पूजा करते हैं। ईश्वर को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये लोग पशु बलि भी देते हैं। जादू टोने, भूत प्रेत आदि के अंतर्गत गौड़ जनजाति के लोगों का विश्वास भी है। ये लोग शीतला माता व छोटी माता, इनका पूजा अर्चना भी करते हैं।
मुख्यतः मृतक जो होता है उसके दोनों कार्य, दफनाने का कार्य भी गौड़ जनजाति के अंतर्गत है और दाह संस्कार का कार्य भी गौड़ जनजाति के अंतर्गत है। मुख्यतः आज वर्तमान में यदि अपन कहें तो गौड़ जनजाति पर आधुनिक प्रभाव देखने को मिलता है। आज गौड़ जनजाति के खान पान में, गौड़ जनजाति के रहन सहन में, उनके जीवन शैली में, उनकी अर्थव्यवस्था में, यानी गौड़ जनजाति के प्रत्येक कार्य के अंतर्गत आधुनिकता की स्थिति दिखाई देती है। प्रारंभिक जो गौड़ जनजाति थी, यह प्रारंभिक गौड़ जनजाति अपना जो कार्य था, अपनी जो जीवन शैली थी, ये सामान्य रूप से चलाती थी। आज गौड़ जनजाति के लोग पढ़ने भी लगे हैं, शिक्षित भी होने लगे हैं। गौड़ जनजाति के लोगों के अंतर्गत सभ्यता व संस्कार भी आज दिखाई देने लगे हैं। हर चीज के अंतर्गत अपन कह सकते हैं आज गौड़ जनजाति विकसित हुई है, यानी आधुनिक संस्कृति से गौड़ जनजाति का संपर्क हुआ है। यह बात गौड़ जनजाति के लिए विशेष रूप से है। मुख्यतः इनकी जीवन शैली में वर्तमान का जो प्रभाव है, या वर्तमान में एक बड़ा बदलाव अपन कह सकते हैं, वो गौड़ जनजाति के लोगों के अंतर्गत, वर्तमान के अंतर्गत देखने को मिला है। आज इनका समाज, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत ये गौड़ जनजाति निवास करती है, जहां पर गौड़ जनजाति का निवसन है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत गौड़ जनजाति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आखेट कार्य के बाद में, जब अपने भारत में आखेट कार्य प्रतिबंध हुआ, तो गौड़ जनजाति ने कृषि की ओर अपना इतना अधिकतम विकास किया कि आज गौड़ जनजाति की जो संपूर्ण जो जीवन शैली है, वह संपूर्ण जीवन शैली कृषि पर टिकी हुई है। प्रत्येक पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत सीढ़ीनुमा सोपानी कृषि का कार्य करके, मैदानी भागों में स्थानांतरित झूमिंग दिप्पा कृषि करके ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। ये गौड़ जनजाति के लिए एक विशेष प्रकार की बात है। अपने भारत की जनजातियों के अंतर्गत विशेष रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन तीन चार राज्यों में तो गौड़ जनजाति का अस्तित्व एक सामान्य लोगों की तरह है, यानी एक जनजाति विशेष के रूप में नहीं, अपितु सामान्य जीवन से भी आज गौड़ जनजाति के हमें देखने को मिलती है। तो देख लो एक बार सामाजिक जीवन फिर से देखते हैं, गौड़ जनजाति के सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण बातें। देखिए, गौड़ जनजाति का जो समाज है, यह समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब होता है पिता की सत्ता परिवार में होना, यानी पुरुष की प्रधानता होना, परिवार का संचालन पुरुष के माध्यम से होना, तो पुरुष की प्रधानता वाला समाज है। आज गौड़ जनजाति के अंतर्गत संपत्ति, पिता की संपत्ति का विभाजन उनके पुत्रों के अंतर्गत होता है। गौड़ जनजाति के लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, अपहरण विवाह आदि प्रकार की विवाह परंपराएं हैं। विवाह की परंपरा, विवाह का आयोजन किसी सार्वजनिक स्थल पर, किसी वटवृक्ष के नीचे, मंदिर या तालाब के पास, मुखिया जिसे पटेल या मुखादम कहते हैं, उसके घर के पास कोई भी सार्वजनिक स्थल होता है, वहां पर मुख्यतः विवाह का आयोजन किया जाता है। सार्वजनिक स्थल पर गांव का जो मुखिया होता है, गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहा जाता है, चौकीदार होता है उसे कोतवार कहा जाता है, पुजारी होता है उसे देवारी कहा जाता है। गौड़ जनजाति के लोगों के द्वारा भगवान शिव और देवी माता की पूजा की जाती है। मुख्यतः इन लोगों का एक विशेष प्रकार का भगवान भी है, परसापेन,
परसापेन नामक भगवान की ये लोग पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये लोग पशु बलि भी देते हैं। भूत प्रेत जादूटों ने आदि के अंतर्गत भी गौण जनजाति के लोग विश्वास करते हैं। शीतला माता और छोटी देवी माता आदि का ये लोग मानते हैं, आदि की पूजा करते हैं। मुख्यतः वर्तमान के अंतर्गत दाह संस्कार का, दाह संस्कार की क्रिया मुख्यतः जो मृतक है उसका दाह संस्कार और दफनाना दोनों कार्य गौण जनजाति के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में गौण जनजाति के लोगों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क हुआ है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क से अभिप्राय यह है कि आज गौण जनजाति की जो जीवन शैली है उस जीवन शैली में वर्तमान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गौण जनजाति के लोगों के द्वारा अपने खान पान, रहन सहन, धनुपार्जन, आर्थिक क्रिया, प्रत्येक प्रकार के अंतर्गत, प्रत्येक प्रकार के कार्यों के अंतर्गत आज बदलाव की स्थिति देखने को मिली है। यह मुख्यतः गौण जनजाति का सामाजिक जीवन, यह आपका चैप्टर कंप्लीट। आगे ध्यान दीजिए, देखिए अपनी चार जनजातियां हो चुकी हैं अब तक, यानी दूसरा लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। चार जनजातियों में एस्किमो जनजाति हो गई कंप्लीट, बुशमैन जनजाति हो गई, भील जनजाति हो गई और एक अपनी गौण जनजाति हो गई। ये चार जनजातियां अपनी हो चुकी हैं। इन चार जनजातियों के अंतर्गत से आपको चारों जनजातियां ठीक प्रकार से याद करनी है। दो जनजातियां कोई भी, चाहे वो भील और एस्किमो हो, चाहे वो बुशमैन और गौण हो, कोई भी दो जनजातियां आपके फाइनल एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती हैं, तो आप इनका ठीक प्रकार से अध्ययन करें। प्रश्न किस प्रकार से आता है? प्रश्न आता है जैसे भील जनजाति या एस्किमो जनजाति का निम्न शीर्षकों के आधार पर अध्ययन कीजिए। अब उसमें सामाजिक जीवन दे दिया, निवास क्षेत्र दे दिया और एक भोजन दे दिया, कोई भी तीन बिंदु दे दिए जाते हैं, तो आपको ठीक प्रकार से इनका अध्ययन करना है। नोट्स आपके पास में लिखे हुए हैं, वो नोट्स भी आपको ठीक प्रकार से देखने हैं, तैयार करने हैं। इसके अतिरिक्त ये दो लेसन आज अपने कंप्लीट हो गए, चार जनजातियां विश्व जनजाति के अंतर्गत थी। कल अपन बिंदु देखेंगे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि के बारे में, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे, ध्यान में रहे। इसके नोट्स भी आपको बताए हुए हैं, केवल आपको नोट्स भेजने हैं वो 11वें और 12वें लेसन के हैं, बाकी पहली जो बुक है आपकी मानव भूगोल की, उस मानव भूगोल के अंतर्गत कंप्लीट अपना काम हो चुका है, कंप्लीट नोट्स वगैरह कंप्लीट। हाँ ये जरूर है, वीडियो एक बार में जरूर बना करके दोबारा एक रिविजन के रूप में अपन भेज लेंगे, जिससे दोबारा आपकी तैयारी ठीक प्रकार से हो जाएगी। जो क्लास में अपने बिंदु हो गए या जो पहले अप्रैल में अपने वीडियो के माध्यम से जो वीडियो हो गए, अपन कंटिन्यू पहले लेसन से स्टार्ट किया है मैंने अभी 1 जुलाई से, आपको ध्यान में है, तो पहले लेसन से लेकर के 12वें लेसन तक ये वीडियो भेज दूंगा जब तक अपनी ऑनलाइन क्लासें होंगी। और उसके बाद में एक बार आपका क्लास में हो गया, एक बार रिविजन हो गया और ये बुक होने के बाद में फिर मैं आपको भारत का भूगोल जो सेकेंड बुक है उसके वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ठीक प्रकार से यदि वीडियो देखेंगे, ठीक प्रकार से आप अध्ययन करेंगे, तो आपको 100% टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन जनसंख्या घनत्व वितरण वृद्धि का अध्ययन करेंगे। शेष कल, धन्यवाद।